मीडिया की मेरी एक साथी राधा भार्गव एक देशद्रोही है। मैं अमीना कुरैशी और आज की आवाज भारती में आप सभी का स्वागत है। We are in the business of delivering fair and unbiased news to the public. तुम चाहते हो कि मैं अपने ऑडियंस को चीट करूं, झूठ बोलूं उनसे? पब्लिक को जैसी न्यूज चाहिए वैसी तो देनी पड़ेगी। पब्लिक को न्यूज नहीं तमाशा चाहिए। मैं दीपांकर सान्याल, आप देख रहे थे जोश 24/7। न्यूज बोरिंग होती है, मैं कहानियां बनाता हूं। हमारे पास पावर है, पैसा है, कनेक्शन है। मैं हूँ दीपांकर सान्याल। नमस्कार, मैं राधा भार्गव और आप देख रहे हैं आज की आवाज भारती। हम ये स्टोरी आज नहीं कर सकते। किस लिए? On what basis? Reporters believe only facts. मैं अमीना कुरैशी और आप? सच बोलने के लिए पावर चाहिए होती जो मेरे पास है यहाँ जोश 24/7। कभी कभी सही करने के लिए गलत लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो जर्नलिस्ट को ब्रेक करती है, कुछ ऐसी जो जर्नलिस्ट को ब्रेक देती है। क्यों मिलना चाहता मुझसे? अगर ये इंटरव्यू चली तो खत्म। वैसे आपका माइक अभी भी ऑन है। मजाक। भाऊ प्लीज, बहुत जरूरी है। जान से भी ज्यादा। तुम ये ऑपरेशन अम्ब्रेला पे जम के फोकस करो और रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। गाड़ी का नंबर भेज रही हूँ, एक्सीडेंट लगना चाहिए। क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आपको कुछ नहीं पता। दीपांकर का सच लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। तो खबर को पहले पकाइए, अच्छे से पकाइए, उसके बाद परोसिए। जब दीपांकर सान्याल बोलता है ना, पूरा देश सुनता है। Get the bloody facts, not your feelings. वो करो जो मैं कह रहा हूं।